बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है कि इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर कोई पेपर फेल हो गया है तो उसको जो है री अपीयर कैसे हो, यानी कि हाउ टू री अपीयर इफ़ द पेपर इज फेल। अगर पेपर फेल है तो री अपीयर कैसे हो। यहाँ पर सबसे पहले हम ए आई ओजू सर्च करेंगे। आप यहाँ पर ए आई ओजू लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा पड़ा है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ए आई ओयू के पहले लिंक से जो है मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर हमें एनरोलमेंट CMS नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर चूंकि हम लोग कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये है कि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई पेपर फेल हो गया तो मैं जो है इस जो है CMS पोर्टल पर आऊँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मेरी यूज़र आईडी और मेरा पासवर्ड पूछेगा। मैं यहाँ से अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जो है क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पासवर्ड जो है वो एंटर हो, इसका यूज़र आईडी जो है मेरी एंटर हो गई है। मैं इसका यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले आपके सामने शो होगा। यहाँ पर जो है डिफरेंट चीज़ें आप के सामने शो हो रही हैं। नाम पढ़ देता हूँ, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस पर्सनल इन्फो, एग्जाम एंड ग्रेड्स, माई ट्यूटर, माई फाइनेंशियल अकाउंट, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग। हमारा काम कोर्स रजिस्ट्रेशन के साथ है, क्योंकि हमारा पेपर फेल हुआ है तो हम लोगों ने रजिस्टर करना है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सर्च का बटन नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका टाइटल है लुकअप अकेडमिक लेवल। अभी ये एडमिशन भेजने का भी तरीका यही होता है, क्योंकि हम लोगों ने रीअपियर करना है तो हम लोग रीअपियर पर क्लिक करेंगे। इनके हमारा पेपर फेल है तो उसको हम लोग यहाँ से जो है दोबारा देना चाहते हैं। तो अब क्या है, पहले होता था एड सेमेस्टर, यानी कि आपने 6 महीने और लगाने पड़ेंगे उस जितने भी आपके पेपर रह गए, लेकिन अब हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है स्क्रॉल इस तरफ करूँ तो यहाँ पर आपको एड न्यू रिक्वेस्ट व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट, मैंने पहले एक रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो मैं एड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऐसा जो है इंटरफेस सामने आएगा, सारी डिटेल आपकी लिखी जाएगी। ये पेपर जो आपके फेल होंगे आप उनको यहाँ पर ऐड कोर्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। जैसे ही आप लोग इसको चेकआउट करेंगे, ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर आपने टिक लगा देना, एक्सेप्ट कर लेना, इसको ऐड कोर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही कोर्स ऐड होगा तो यहाँ नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आएगा, रीअपियर, और यहाँ पर आपको आपकी फ़ीस नज़र आ रही है और उसके बाद आपका चलान भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से ही कर चुका हूँ, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको अपना चलान दिखा देता हूँ और चलान को पे करने का तरीका जो है वो बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग अपने डेस्कटॉप पर चले जाते हैं। ये जो है मेरा चलान आपको नज़र आ रहा है। इस चलान में जो है हम लोगों ने जो मेन चीज़ है वो है इस चलान के थ्रू फ़ी पे करना। जैस कैश या इजी पैसा से फ़ी कैसे पे करनी है, इसकी जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिससे आप देख सकते हैं। ये जो है हमारी मेन चीज़ है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए, वोचर आईडी। इस वोचर आईडी से हमारी फ़ी पे होती है। अगली वीडियो में, बल्कि इससे पहले एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि फ़ी किस तरह से पे करनी है, वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।